कैसे हो भाई लोग, स्वागत है रॉबिन ब्रो के एक और न्यू एपिसोड में। सो भाई, रिसेंटली एक AMA हुआ था कल, मतलब ट्विटर पे अनाउंस करा क्लास ऑफ क्लांस कि जो भी क्वेश्चंस हो तुम्हारे गेम के बारे में, इवन पर्सनल लाइफ के बारे में, सभी के बारे में नीचे क्वेश्चंस मतलब टाइप करो और उनका जो आंसर है वो रेडिट पर पोस्ट कर देंगे। तो बेसिकली उन्होंने कल क्वेश्चंस लिया, जो भी क्वेश्चंस था आज दोपहर तक, उसके जितने भी आंसर्स थे सारे उन्होंने रेडिट पर पोस्ट कर दिया, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो मैं सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात किया गया था, लाइक टाउन हॉल 15 कब आएगी, मतलब उसकी थीम के ऊपर, प्लस जो हमारा न्यू हीरो आने वाला है, एंड प्लस सुपर हॉक के बारे में, एंड जो सीनरी है ना वो कॉस्मेटिक टैब में कब आएगी जिससे तुम जेम में परचेज कर सको, और फ्यूचर के कुछ प्लान्स है लाइक बिल्डर बेस के प्लान्स है, बहुत सारी फीचर के बारे में इंक्लूड किया गया था। तो उसमें मतलब जो भी क्वेश्चन और आंसर सारे चीज़ मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा। उसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी था लाइक उनके इंटरेस्ट के चीज़, वो एनिमे कौन से देखते हैं या फिर वो करते क्या हैं, बहुत सारी चीज़। बट आई नो यार, तुम लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं, तुम लोगों को अपडेट के बारे में जानना है, तो मैं हर एक टोटल मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करोगे। अगर तुम सोशल मीडिया पर नहीं भी हो तो टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ जो भी चीज़ क्लास ऑफ क्लांस के रिलेटेड होती है ना, हर एक चीज़ मैं चाहते रहूँगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। ओके, पहले ये वाली इमेज देखना, ये क्लास ऑफ क्लाइंस का AMA है, नॉट क्वाइट मतलब टोटल AMA नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे पर्सनल लाइफ के बारे में, और यहाँ पर कुछ दिया गया है उनके गेम के बारे में कि गेम लीड कौन है, गेम डिजाइनर कौन है। तो बस ये देख लो, जो लाइव स्ट्रीम हम देखते हैं यूट्यूब पर वो सारे किस कौन करता है, तो भाई देख लो, स्टीजन जो है वो लाइव स्ट्रीम के रिगार्डिंग सारे चीज़ संभालता है, और बाकी हमारा गेम लीड है, गेम प्रोग्रामर, गेम टेस्टर, डिजाइनर, ये सब के बारे में बताया गया। बढ़ते हैं नंबर वन क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर पूछा गया था आ सीनरीज गोने बी बैक इन शॉप लाइक द रेस्ट ऑफ द हीरो स्किन, मतलब जैसे हमारा हीरो स्किन हम जेम से परचेस कर रहे हैं, क्या सेम वे में सीनरी भी आ सकती है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखना, ओके, वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीनरीज बैक टू द शॉप फॉर अ लिमिटेड टाइम लेटर दिस ईयर टू गिव प्लेयर्स हु मिस देम द फर्स्ट टाइम और हु हैव ज्वाइंड द गेम रिसेंटली अ चांस टू बाय देम। स्टे ट्यून्ड एज विल बी आस्किंग विच सीनरी यू वुड लाइक टू मेक अ रिटर्न। तो भाई सीनरी आने वाली है, बट जैसे हीरो स्किन जैसे आई है जेम्स में, वैसे जेम्स में नहीं आने वाली है, आपको सीनरी देखने मिलेगा बट पैसे दे के, मतलब जो सीनरी पुरानी थी वो फिर से गेम में आएगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नए गेम में आया, उनको वो सीनरी पसंद है, वो बाय करना चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं, बट ये आपके रिक्वेस्ट पर होगा, ये ट्विटर में या फिर कोई भी हैंडल में फिर से पूछेंगे कि भाई कौन सा सीनरी तू चाहते हो कम बैक होने के लिए, और जिसका मैक्सिमम आंसर सब लोग चाहेंगे इस चीज़ को, मतलब जिस सीनरी की वो लोग सपोर्ट करेंगे ना, वो सीनरी वो लोग फिर से वापस लाने वाले हैं। लाइक जब भी ये पोल स्टार्ट होगी ना कि कौन सी सीनरी स्टार्ट आने वाली है, मैं फिर से यार तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर टेंशन मत लेना। अपने दोस्तों का साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना, चैनल को शेयर करना, ताकि भाई वो भी अपडेटेड रहे क्लास ऑफ क्लांस के जो भी न्यूज़ हो उस सारी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है भाई, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ स्टॉप अटैकिंग बटन वंस यू हैव पास्ड अपोनेंट्स डिस्ट्रक्शन इन वर्सेस बैटल। भाई जैसे हम किसी बंदे को अटैक कर रहे हैं वर्सेस बैटल में, ओके, बट मैंने उसके उसने जितना डिस्ट्रक्शन किया उससे अगर मैंने सरपास कर लिया, मान लो उसने 50 किया मैंने 51 कर लिया, तो वहाँ पर स्टॉप अटैकिंग बटन आ जाना चाहिए था स्क्रीन पर, जहाँ पर हम स्टॉप करके जा सके, ताकि जो अपोनेंट है उसे वेट करना ना पड़े, समझ रहे हो। ये वाली फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना यार 1.5 मिनट 2 मिनट तक वेट करना काफ़ी अनोइंग होता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर देखना, दिस इज समथिंग वी आर करंटली डिस्कशिंग ऑन अ टीम व्हेन वी डिस्कस हाउ वी वांट टू इम्प्रूव बैटल बेस नेक्स्ट ईयर। While it's not a guarantee it will be added, it will also depend on how it will affect the overall game logic. But we are aware of the community desire for not having to sit through an entire match once one side is finished. तो भाई जैसे मैंने कहा, एक बंदा भाई फिनिश करे या बाकी लोग वेट करे, ये काफ़ी अनोइंग होता है यार, 2 मिनट 3 मिनट कौन वेट करे। इस फीचर के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, ये नहीं कि वो फीचर आएगी, स्टॉप अटैकिंग बटन की फीचर वो फिक्स नहीं है। ओके, अब वो ये बोल भी नहीं रहे कि नहीं आएगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, बट ये कुछ अलग सोच रहे बिल्डर बेस के बारे में। बिल्डर बेस के बारे में मैंने तुम्हारी कल वाली अगर वीडियो मैंने देखी होगी ना तुम लोगों ने, मैंने उसमें क्लियर कट बताया था, जिसमें एक क्वेश्चन आई थी ना अपडेट के बारे में कि बिल्डर बेस के लोग रीडिजाइन कर रहे हैं 2023 में, मतलब 2023 के अप्रैल में बिल्डर बेस का हमें न्यू अपडेट मिलेगा, जो है बिल्डर 10, और जो वर्सेस बैटल हम खेलते हैं ना उसे चेंज करने वाले, जैसे हम होम विलेज या फिर क्लैन कैपिटल में अपडेट करते हैं, सेम तरह हम अपना जो बिल्डर बेस है उसमें भी अटैक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वे डू यू सी क्लैश ऑफ क्लैंस आफ्टर 10 मोर ईयर्स, इज देयर विल बी अ न्यू टाउन हॉल आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर लाइक 15, 16, 17, इज योर सी बी एन एंडलेस गेम। तो पूछा गया भाई, क्लैंस को 10 साल आगे कैसे देख रहे हो,
क्या लगता है, या फिर तुम ये चाहते हो क्लास ऑफ क्लांस हर सेकेंड ईयर मतलब हर दूसरा साल जो 18 मंथ्स होता है ना उसमें हर साल तुम्हें या 15, 16, 17 टर्नओवर आते रहेगा, तो यह क्वेश्चन देखना काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर भी अच्छा था, इसलिए मैंने ये पिकअप किया। एज लॉन्ग एज द टीम आर स्टिल एक्साइटेड टू ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द गेम एंड द कम्युनिटी आर एक्साइटेड टू हैव मोर न्यू थिंग्स देयर इज नो रीजन टू स्टॉप। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टफ वी लव टू ब्रिंग यू राइट नाउ इफ देयर वर मोर आवर्स इन द डे एंड यू गाइस सीम प्रीटी एक्साइटेड फॉर न्यू थिंग सो दैट्स ऑल ग्रेट फॉर मी। तो भाई ये नया चीज़ लाते रहेंगे जब तक गेम चल रही है या फिर गेम एक्साइटेड है तब तक नया चीज़ आने वाला है, उसमें कोई रोक नहीं है। जो हमारा स्टूअर्ट है गेम, इसने आंसर दिया। फिर नीचे एलेक्स जो गेम डिजाइनर, उनका भी आंसर सुन लो। आई थिंक अबाउट दिस ऑल द टाइम एंड एवरी डे आई फाइंड न्यू थिंग्स वी कैन डू इन क्लास एंड थिंक ऑफ न्यू प्लेसेस द गेम कैन गो। इन दैट सेंस इट्स ऑब्वियसली फील्स लाइक एन एंडलेस गेम एंड इन 10 ईयर्स आई सी क्लास बीइंग क्लासेस देन एवर। तो भाई क्लास को ये सोच रहा है जैसे गेम चल रहा है ना स्मूथ, वैसे ही 10 साल आगे और मज़ेदार होने वाला है गेम को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो है एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर हॉक्स और इज जस्ट अ मिथ। तो भाई सुपर हॉक के बारे में क्या सोचा है, आने वाला या फिर मिथ है? मैंने इस टॉपिक को मैंने लगभग 3-6 दिन पहले कवर किया था। मतलब तुम्हें बैक टू बैक अगर 2 वीडियो छोड़ के जाओगे ना, थंबनेल में भी हॉक राइडर की जो कंसेप्ट वाली इमेज है उसे मैंने पोस्ट किया है, वो वाली इमेज जरूर देखना। ओके, उस वीडियो में मैंने हॉक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बात की थी भाई, उसकी एबिलिटी हर एक चीज़ के बारे में, मतलब टोटल ओपी लगी थी। बट इसका आंसर थोड़ा सैड टाइप का है, कंट्रोल करना, आंसर देख लेना क्या लिखा है। विल प्रोबेबली एंड अप विद अ सुपर हॉक सम टाइम, मतलब कभी ना कभी एंड होंगे। आई डोंट थिंक विल एवर एक्चुअली प्रोटोटाइप एनी कंसेप्ट फॉर व्हाट डेट माइट बी। जो हम कंसेप्ट देखते हैं या फिर जो कंसेप्ट लोग बनाते हैं ना भाई, क्लास ऑफ क्लांस बोल रही है, उस कंसेप्ट पर हम गेम को नहीं बना सकते। मतलब उस कंसेप्ट, मतलब एक ट्रूप का कंसेप्ट है तो वो ट्रूप सेम टू बोर्ड गेम में डाल नहीं सकते, वो बस एक प्रोटोटाइप को गेम में नहीं डाल सकते। वो अपना अपना जो उनका लॉजिक होता है या फिर जो क्रिएटिविटी होती है वो खुद से बनाएंगे। वो भरे देख रहे कंसेप्ट हमारा अच्छा है बट उसी में कुछ अलग करने वाले हैं। ये नहीं कि तू कंसेप्ट देख लिया भाई सेम चीज़ आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। बट ऐसा एक बार हुआ था पता है, जो हमारा आइस गोलम है ना, एक बंदा 6 साल पहले वीडियो बनाया था आइस गोलम के बारे में, और सेम आइस गोलम भाई 2 साल बाद आई थी, मान सकते हो? उस वाली वीडियो मुझे अभी भी याद है। ओके, तो कुछ कंसेप्ट सच में हो जाती है। और आवर नेक्स्ट सुपर ट्रूप प्रोबेबली इजन गोना बी सुपर हॉग राइडर बट वन डेज। तो भाई नेक्स्ट सुपर ट्रूप हमारा सुपर हॉग राइडर नहीं होने वाला, बट एक दिन जरूर होगा। मतलब जो नेक्स्ट सुपर ट्रूप है वो कुछ डिफरेंट होने वाला है, मे बी माइनर हो सकता है या फिर कुछ और ट्रूप हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ट्रूप होगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। आई लव टू रीड मोर सम डिज़ाइन आइडियाज फॉर द सुपर हॉग राइडर व्हाट डज ही डू। बट यहाँ पर जो हमारा एलेक्स है गेम डिजाइनर जो गेम को डिज़ाइन करता है, ये बोल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वो कर क्या सकता है, मतलब सुपर हॉक की एबिलिटी क्या होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। एक बंदे ने मुझे बताया था, इस बंदे ने, कि भाई उस जैसे वैल्किरी चलती है ना अपने आप को रेज करती है, सेम हॉक राइडर चले और अपने आप को हील करे। तो मुझे ये मतलब ये जो आंसर इसने दिया था ना काफ़ी कैची लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तुम्हारा क्या कहना है जरूर बताना ओके इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्लान्स फॉर एडिंग अ ऑप्शन टू अटैक योर ओन बेस टू टेस्ट इट। जैसे हम FC करते हैं ना, फ्रेंडली चैलेंज, सेम एक बटन होना चाहिए जिससे हम अपने खुद के बेस को अटैक कर सकें। ओके, येस आई नो द रूल डाउट बट वन सिंपल सोल्यूशन टू हैव वन डे कूल डाउन वेन एवर यू चेंज इट सो इट वॉन्ट बी अब्यूज ईजली। तो यहाँ पर कूल डाउन डाला जा, कूल डाउन डालें ताकि अगर कोई वार बेस में अगर डाल दे, हम सेम बेस अगर कॉपी कर लेना तो हम अटैक ना करें, हम चीट ना कर पाए, तो कूल डाउन डाल के डाल दो, ये बोल रहे हैं। बट आंसर अलग है, वी हैव डिस्कस पॉसिबल इम्प्रूवमेंट टू द करंट FC चैलेंज जो सिस्टम है। वी डोंट प्लान टू रिमूव द कूल डाउन बट मे बी वी कुड अलाउ प्लेयर्स टू डू मल्टीपल अटैक्स पर पोस्टेड फ्रेंडली चैलेंज सो यू वॉन्ट नीड टू स्पैम द क्लाइंट चैट बाई पोस्टिंग द सेम फ्रेंडली चैलेंज सेवरल टाइम्स इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट द लेआउट। दिस वुड ऑल्सो मेक फन फ्रेंडली चैलेंज कंपटीशंस बिटवीन क्लैन मेट्स मोर फीजबल। परहैप्स वी ऑल्सो अलाउ अटैक अगेंस्ट योर ओन बेस वेन वी एंड अप डूइंग दोज इम्प्रूवमेंट। कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, कुछ चीज़ चेंज करेंगे, जैसे FC कर रही है ना हमारा फ्रेंडली चैलेंज, जब से फ्रेंडली चैलेंज आए ना भत्ता तब से यार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप और जो लोकल चैंपियनशिप चल रही है वो सारी, लाइक मार्कोस ईस्पैड है, और जैसे मान लो यहाँ पर
क्वेसो कप हुआ था और वो सारी कप हो रही है, स्टेफनी कप हो रही है। ये जब से फ्रेंडली चैलेंज आए हैं तब से गेम की जो लेवल है ना भाई, वो काफ़ी आगे जा चुका है। तो ये बोल रहे ये प्लान कर रहे हैं एफसी को और इम्प्रूवमेंट करेंगे जो हाँ फ्रेंडली चैलेंज है, उसके बाद ये जो खुद के बेस की अटैक वाली सिस्टम है ना ये भी गेम में ला सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी स्टॉक मैजिक आइटम्स बुक्स एक्सेट्रा इफ आई गॉट अ सेल माय डार्क एलिक्सर रुइंड फॉर 50 जेम्स बट बाय वन आउट ऑफ द स्टोर फॉर 1500 जेम्स डजंट मेक द सेम्स आई एम मैक्स अराउंड 14 बट आई लाइक टू स्टैक रेडी फॉर टावर 15। तो यहाँ पर एक चीज़ देखा होगा, मैजिक आइटम्स हम एक से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बट पहले जब आया था ना ये मैजिक आइटम वाली सॉल्यूशन भाई, तब हम यार लगभग मल्टीपल मैजिक आइटम स्टोर कर सकते हैं, 5 बुक 6 बुक 7 बुक तक स्टोर कर सकते हैं, बट विथ टाइम उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि यार काफ़ी लोग यार एक दिन में अगर टाउन हॉल 13 से 14 आया ना तो भाई 24 घंटे या फिर मान लो 24 घंटे में वो काफ़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं भाई, उनके पास इतने बुक्स होते हैं, इतने स्टोरेज होते हैं ना, तो सारे चीज़ मैक्सर कर लेते हैं। तो भाई इनको हटा के उन्होंने हटा दिया, इन्होंने बोला कि वो गेम को काफ़ी जल्द ख़त्म कर देते हैं। जो 18 मंथ्स का टाइम है ना वो रहना चाहिए, 18 मंथ्स लगभग यार नॉर्मल फ्री टू प्ले हो ना तो भाई लगभग 18 मंथ्स लग ही जाते हैं ओके अपडेट करने में या सही पूरा बेस को मैक्स आउट करने में, इसलिए उन्होंने 18 मंथ्स का टाइम लाइन डाला। अगर तुम पेड हो तो भाई पहले कर लेते हो, जो पेड वाले हैं उनको तो पता ही यार 10 20 40 जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हो, तो भाई पैसे दे रहे तो सुपर सेल तो खुशी है उनको, क्या बोले हम। आंसर में भी सेम चीज़ लिखा हुआ, यहाँ पर गो थ्रू कर लेना वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करता हूँ, What was the funniest town hall theme to design and why? यहाँ पर funniest town hall theme क्या था और डिज़ाइन क्या था, आंसर तुम लोग पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी ना हैमबर्ग में, उसके बाद मतलब मैच होने के बाद वहाँ पर प्लेयर्स कंटेंट क्रिएटर सभी को पार्टी दिया गया था। तो वहाँ पर जो हमारा फॉर्मर गेम लीड था, जो पहले का गेम लीड था इनो, उन्हें डिस्कस करा टाउन हॉल 13 के बारे में कि टाउन हॉल 13 आ रही है, बट सभी लोग ये नहीं पूछ रहे थे टाउन हॉल 13 में क्या आने वाला, वो लोग ये पूछे थे उसमें थीम क्या होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे कि भाई थीम क्या होगी। तो उसी पर क्लैश ऑफ क्लैंस काम कर रही है, उन्होंने बोला कि जो थीम होगा ना इस बार का टाउन हॉल 15 वो काफ़ी कैची होगा, और तुम लोगों को जो नॉर्मल 13 14 मिल रही है सेम नहीं मिलने वाला, 13 14 में तुम लोग न्यू कंटेंट के लिए एक्साइटेड हो, इस बार थीम के लिए एक्साइटेड हो, जो इस बार को थीम होगा ना भाई वो टोटल डिफरेंट होगा। क्योंकि मैंने कुछ दिन लगभग एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था टाउन हॉल 15 के थीम के बारे में, जो काफ़ी अलग होगा, जहाँ पर डेरिन ने खुद कन्फर्म किया था ओके कि इस बार का थीम जो होगा ना टाउन हॉल 15 का वो अलग होगा, एंड इवन जो डिफेंस है ना सिग्नेचर डिफेंस वो डिफेंस भी अलग होगा, काफ़ी अलग डिफेंस काफ़ी अलग थीम के ऊपर। तो भाई ये ना एक दो हफ्ते के अंदर पता चल ही जाएगा ना कुछ के बारे में, वैसे मैं तुम लोग को अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी नेविगेट और एडिट टेक्स्ट इन मेल्स एंड क्लैन नोट्स। ओके, तो भाई जैसे हम क्लैन नोट्स लिखते हैं या मेल लिखते हैं तो उसमें एडिट नहीं कर पाते, उन्होंने कहा कि ये पुराना सिस्टम है और उन्होंने अभी तक इस पर कुछ चेंज नहीं किया है, बट ये बोले ठीक है हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, अगर हो सके तो अगर इम्प्रूवमेंट का तो हम इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट है भाई, व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस इन गेम वॉइस चैट, वॉइस चैट के बारे में बात किया गया था, और व्हाट वाज द आइडियाज टू बी एबल टू चेंज डिफेंस सीसी इन मिडिल, मतलब जैसे हम मिडिल अटैक में हैं और वहीं पर हम अपना सीसी चेंज कर सके, इसके बारे में आंसर तुम लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पर ये बोला गया था वॉइस चैट ला सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ होगा कि जो 13 प्लस गेम है ना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि काफ़ी लोग वॉइस चैट में उल्टे फुलटे चीज़ भी बोल सकते हैं और किसी को एब्यूज़ कर सकते हैं, तुम यार अगर किसी बंदे ने वार अच्छा नहीं किया तुम गाली भी दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, तो उससे उस बंदे का मोरल डाउन होगा और वो उसको फील वो लो फील करेगा, इसके लिए ये वॉइस चैट नहीं ला रहा है। प्लस लैंग्वेज प्रॉब्लम तो अलग ही है, एंड सेकेंड बोला यार वार के अंदर जो सीसी का सिस्टम है ना चेंज करने का ये ओके है, बट आई डोंट थिंक अप टू मार गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि यार ऐसा सिस्टम अगर ला दिए ना तो भाई तू अगर उस बंदे का बेस देख लिया तो देख लिया हाँ भाई इस क्लैन इस टाइप के अटैक कर रहा है, इसमें इस टाइप की सीसी डाल दे तो तुरंत तू सीसी चेंज कर लेगा, और इसके वजह से ये होगा जो बंदे अटैक कर रहे हैं ना या फिर तुम्हें वार मैच हो गई तो तू चाहेगा फटाफट मैं अटैक कर लूँ इसे ख़त्म कर दूँ, वरना ये सीसी ट्रूप्स चेंज हो जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा ओके है बट आई डोंट थिंक सो अप टू मार्क है। नेक्स्ट है, हाउ आर यू गोइंग टू एड न्यू बिल्डिंग्स टू द मेन बेस विदाउट मेकिंग इट टू द पास 100 बिल्डिंग मार्क। मैं तुम्हें बताया था ना 100 बिल्डिंग मार्क के बारे में, तो इन्होंने कहा कि ये लोग दो बिल्डिंग या फिर जो डिफेंस है ना दो तीन डिफेंस को एक साथ मर्ज करने वाले हैं,
बट इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 100 बिल्डिंग्स की लिमिट हो, अब चाहे भी वो बढ़ा भी सकते हैं, बट इनका ज़्यादा चांसेस है टाउन हॉल 15 में कि दो बिल्डिंग को मर्ज करने वाले हैं। जैसे हमारा चार हीरो है ना, चारों हीरो की सिर्फ एक अल्टर होगा जहाँ पर वो बैठेंगे, और उससे भाई तीन हाउसिंग स्पेस फ्री हो जाएगी, तीन जो टाइल्स है ना वो टाइल्स की जगह फ्री हो जाएगी और दूसरे डिफेंस के लिए ऐड हो सकती है। ये वाली चीज़ काफ़ी जल्द गेम में आने वाली है, जो आई थिंक टाउन हॉल 15 में ऑलमोस्ट आने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू गाइस रिमूव द क्रिसमस इफेक्ट? तुम लोग को याद है क्रिसमस जो इफेक्ट थी ना स्नोफॉल की, वो हट चुकी है अब हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस से। मतलब क्रिसमस स्नोफॉल गिरती है बट बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरती है भाई। तो इन्होंने कहा कि भाई बिल्डिंग के ऊपर स्नोफॉल गिराना ना काफ़ी लंबा काम है और लेंदी काम है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर एक के ऊपर बर्फ गिराना मतलब हर एक को रीडिजाइन करना, मतलब हर एक लेवल के डिफेंसेस को ना उन्हें रीडिजाइन करके स्नोफॉल वाली इफेक्ट डालना पड़ता है हर एक में। तो भाई सोच लो टाउन हॉल 14 तक हर एक डिफेंसेस को स्नोफॉल की सिस्टम डालना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, काफ़ी टाइम लगता है डिज़ाइनिंग में। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ अलग मैकेनिज्म हो जिससे वो सब में डाल सके इस चीज़ को स्नोफॉल वाली, मतलब एक सिंपल सिस्टम से अगर हो सके ना तो वो डालेंगे, मतलब सब में ऐड कर दें तो सभी का अगर हो जाए तो ठीक है, वरना ये ऐड नहीं करने वाले। तो यही सारी चीज़ के बारे में थी। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, देख सकते हो भाई मैंने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो का एंड तक देखने के लिए। आई थिंक सो आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखा होगा आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट